सुशांत सिंह राजपूत की बहनें अभी इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होती दिखाई दे रही हैं और सीबीआई के पास जाकर बार बार मांग कर रही हैं कि अरे क्या हो गया, कहां सोए हुए हो, इस केस को लेकर क्या अपडेट है, कुछ तो बताओ, अगर आत्महत्या है तो वो भी बताओ, बदले में प्रूफ दो, हमें समझाओ कि हाँ मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, इसकी ये हो जाती हम मान लेंगे, अगर ये हत्या है तो वो भी बताओ ना, लटका कर क्यों रखा है, 4 साल हो गए, क्या कर रहे हो भाई साहब, ना कोई अपडेट दे रहे हो, ना कोई प्रूफ दे रहे हो, ना कोई बयानबाजी ही कर रहे हो। अरे केस को सॉल्व करना भी है कि नहीं करना है, कंक्लूजन पर लेकर आना है कि 10 12 15 साल इसको ऐसे ही लटकाना है और पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में घुसा देना है, 20 साल के बाद जब सुशांत के परिवार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, 25 साल के बाद 30 साल के बाद तब मुंह हिला के बोल देंगे कि आत्महत्या थी, ये सब करना है क्या। अब इसी सारी चीजों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन कभी रणवीर अलाहाबादिया के शो पर जा रही है, कभी वहां पर जाकर मांग कर रही है, कभी किसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठा रही है, मगर जो सीबीआई है वो कहीं से कहीं तक कुछ बोलने को राजी नहीं है। इस केस के अंदर जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हो, सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी संदिग्ध फ्लैटमेट्स थे जो उस दिन उस घर में थे, ना उन लोगों से बातचीत करी जा रही है, ना उनको ग्रिल करा जा रहा है, ना ही किसी तरह का कोई इंट्रोगेशन करी जा रही है। आज भी मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे माफिया गैंग्स हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कई ऐसे पुलिस वाले भी निकल कर आए थे, सचिन वाजे आप सभी लोगों को याद होगा, जिसने मनसुख हिरन का मर्डर कर दिया था। तो क्या चल रहा है भाई, आम जनता सीबीआई से अपडेट मांग मांग कर थक गई, कॉमन लोग आरटीआई फाइल कर करके थक गए, सीबीआई का कोई अपडेट नहीं है। आज सुशांत का परिवार भी बार बार एक ही बात बोल रहा है, उस दिन सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में जाती है रणवीर अलाहाबादिया के शो पर, और वहां पर जाकर कितनी सारी खुलकर बातें कहती है। सीधा सुशांत की फैमिली का अब यही टेक है, अरे भाई साहब अगर इस केस का निपटारा करो, अगर यह कोई आत्महत्या का केस था तो हमें बताओ कि आत्महत्या थी, हमें उसके लिए प्रूफ दो कि क्या वजह हो सकती है। आप देश की प्रीमियर एजेंसी हो, एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को आप लोगों ने 4 साल से ऊपर हो गया दबा कर बैठे हुए हो, अगर मर्डर है तो वो भी बताओ, किसने किया वो भी बताओ, अरे कुछ तो एक्शन लो, या इस केस को भी जिया खान वाले केस की तरह कर देने का इरादा चल रहा है। आप सभी को याद होना चाहिए जिया खान जो कि पहले एक मॉडल थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आती है, उसका बॉयफ्रेंड ये सूरज पंचोली बन जाता है, जिसका बाप जिया खान की हत्या वाले दिन उसके फ्लैट के अंदर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होता है, पर ये सीबीआई कुछ नहीं करती है। उस जिया खान के शरीर पर इतनी सारी चोटों के निशान होते हैं, उस केस को इन लोगों ने आत्महत्या का केस बना दिया। अब मुझे तो बस यही डर लग रहा है कि कहीं ये बेशरम लोग जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, इस केस को भी पूरे तरीके से कचड़ा ना कर दे इसका भी, और आम इंसान क्या करेगा इससे ज्यादा, परिवार क्या करेगा इससे ज्यादा, 4 साल हो गए हैं, किसी को भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।